झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। इसी दौरान वो सिंगरौली पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार का बखान करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी व स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में बड़ा काम किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार था, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में गरीब किसान सभी का कल्याण किया है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजार में खाद उपलब्ध है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे देश के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 9 कॉलेज बनाए हैं, जिससे बच्चे अब अपने देश में ही पढ़ाई करेंगे। तो 1 रुपया में आपको क्या कहते हैं, सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया गया, जगह जगह पर मिल रहा है सस्ते में। फिर सस्ती दवा की भी दुकान है, जिसको कहते हैं ना कि औषधि, ये जेनरेटिक जो दवा करते जन औषधि केंद्र, उसके भी 9,300 ऐसे केंद्रों की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से गरीबों के लिए अनेकों योजना, जो आपके समझ मैंने कुछ योजना रखा, किसानों के लिए भी पहले खाद की काफी किल्लत होती थी, खाद मिलता नहीं था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तो उसकी कीमत को बढ़ने नहीं दिया, दूसरा कि पर्याप्त मात्रा में अब खाद उपलब्ध है बाजारों में, कोई दिक्कतें नहीं होती है, और साथ साथ नीम कोटेड यहाँ पर यूरिया भी तैयार हुआ, अब लिक्विड्स के शक्ल में अब खाद भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से और किसानों के खाते में जो खास करके जो मार्जिनल जो किसान है, लघु जो कृषक है, उनको क्या होता था कि बुनाई का जो समय होता था उसके लिए उनको लोन या बाकी सारे कर्जे लेने पड़ते थे। तो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में भी डायरेक्ट क्या कहते हैं उसको 6,000 रुपया सालाना किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज रहे हैं, या आप सबको ध्यान में है। फिर पार्टी जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से जो आर्थिक रूप से पिछड़ा थे, उनके लिए भी 10% का जो कोटा निर्धारित किया गया। फिर पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पहले दिव्यांग जो होते थे उनको, फिर दिव्यांगों की जो कैटेगरी बनी हुई थी 7 प्रकार की, तो उसको बढ़ा करके 21 किया गया, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग उस कैटेगरी में आ सके। और फिर ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। फिर गति और प्रगति जिस प्रकार से हुई है देश के अंदर में, 2014 में 641 मेडिकल कॉलेज पूरा देश, और इसी कारण से आप सबको ध्यान में होगा बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। आज भी जब रसायन यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, तब पता चला कि 20,000 की संख्या में यूक्रेन यहाँ के बच्चे पढ़ाई के लिए गए हुए और फिर उनको लाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री का प्रयास है कि भाई देश के हर जिला में मेडिकल कॉलेज बने, ताकि हमारे बच्चे यहीं स्किल्ड हो, यहीं डॉक्टर्स बने और बाहर उनको जाना नहीं पड़े। तो इन 9 साल में 7 नए मेडिकल कॉलेज भी बन करके तैयार हुआ, और तो मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।